फ्रेंड्स, आप सबको मेडी पिल्स चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको हेयर शील्ड एंटी लाइस क्रीम वॉश के बारे में बता रही हूँ। जू किस तरह हमारे सिर पर आक्रमण करते हैं, किस तरह उससे छुटकारा पाना है, सब बताती हूँ। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जू बिना पंख के छोटे कीड़े हैं जो हमारे सिर और स्काल्प को संक्रमित करते हैं। जो बालों को चुंकल से पकड़े रहती है और जीवित रहने के लिए स्काल्प से आपका खून चूसती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो उड़ नहीं सकती, इसलिए उनके संक्रमण एक ही रास्ता है, एक सिर से दूसरे सिर के संपर्क में आना। आप बालों को कितना भी ध्यान रखें, जो बालों किस इंसान के सिर के संपर्क से आपका सिर आ जाए तो आपको भी जूम का संक्रमण हो सकता है और इस दौरान 200 से 300 अंडे दे सकती है। जू के अंडे 7 दिनों के बाद फूटते हैं और इनसे निकले नन्ही जू फौरन इंसान का खून चूसना शुरू कर देती है। ये 10 दिन में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। इन जू का नाश के लिए रामबाण है हेयर शील्ड एंटी लाइस क्रीम वॉश। इस क्रीम वॉश का दाम है 42 रुपीस। इसको विंग्स बायोटिक मैन्युफैक्चर करता है। ये क्रीम वॉश जू की नहीं बल्कि उनके अंडों पर भी असरदार है। इससे भी बड़ी बात है कि जू की रोकथाम में एयर शील्ड का असर 14 दिनों तक रहता है। बेशक एयर शील्ड एंटी लाइस जू और उनके अंडों पर सख्त है, पर आपके बालों के लिए यह बहुत कोमल है क्योंकि इसमें गुलदाउदी, रीटा और शीकेकाई का अतिरिक्त गुण भी है। अब इस क्रीम वॉश को लगाने का तरीका बताती हूँ। पहले एयर शील्ड के फुल बॉटल को बालों में लगाकर 10 मिनट के बाद बालों को वॉश करके कंघे से कूम करना है। एयर शील्ड एंटी लाइस क्रीम वॉश के बारे में ध्यान रखने वाले बात यह है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों पर इस्तेमाल करने से पहले कृपया चिकित्सक से आवश्यक सलाह लें। एक बार में एयर शील्ड एंटी लाइस की पूरी बोतल का प्रयोग करें ताकि यह आपके बालों की उनकी जड़ों और स्काल्प पर पूरा लगे। इस बालों में लगाने हुए ध्यान रखें कि कान और गर्दन के पीछे के हिस्से पर चुट नहीं जाए। एयर शील्ड एंटी क्रीम वॉश केवल बाहरी हिस्सों के लिए है। यदि गलती से प्रोडक्ट मुंह के अंदर चला जाए तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। एयर शील्ड एंटी क्रीम वॉश सामान्यतः आंखों में जलन नहीं करता, फिर भी अगर गलती से यह आंखों में चले जाए तो तुरंत पर्याप्त पानी के छींटे से आंखों को अच्छी तरह से धो ले। यदि कोई साइड इफेक्ट हो तो प्रयोग रोक दे और अपने चिकित्सक से संपर्क करें और गर्भवती महिला या स्तनपान करते माँ चिकित्सक से पूछकर इसका प्रयोग करें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।